नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ बिहार झारखंड और मैं हूँ सोनू। इस वक्त आपको बता दें, जो कमतौल थाना दरभंगा जिला के मामला है, जो कि 1.5 साल पहले एक पुत्र की हत्या हो गई थी और पिता अपने कमतौल थाना प्रभारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक जो उस टाइम के थे SSP बाबूराम, उन्होंने संज्ञान को मामला में लेते हुए बताए कार्रवाई होगा, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। इसी विषय में जब जनता दरबार पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक हमारे नए अभी जो हैं अवकाश कुमार जी, उनके पास पहुँचे, उन्होंने आवेदन देकर आश्वासन दिया है कि जाँच की जाएगी और उन्होंने थाना प्रभारी को भी इसकी जाँच के लिए बोल दिए हैं और उन्होंने बताया कि खासकर आपको न्याय जरूर मिलेगा। बेटे की मौत के बाद दोनों उनके माँ बाप पहुँचे जनता दरबार। एक मुमताज नामक युवक की हत्या हो गई, अब FIR दर्ज तक नहीं हुआ, आपसे पीड़ित मिला है आज? मिले थे उनके घर वाले और उसमें आवेदन प्राप्त हुआ है, थाना प्रभारी से बात हुई हमारी, लेकिन ये मामला हमारे संज्ञान में आज ही आया है। थाना प्रभारी ने भी बताया कि उनके संज्ञान में मामला नहीं है, क्योंकि ये मैटर 2021 का है, 15 अगस्त का बता रहे हैं वो, तो इसमें जांच के लिए हम दे रहे हैं और जो लीगल प्रोसेस है, बॉडी को एग्जूम कराना पड़ेगा, उसमें फिर अगर फॉरेंसिक जांच में कुछ आता है जिससे लगता है कि संदिग्ध मामला है या हत्या का हो सकता है, तो हम लोग FIR करेंगे, उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, बॉडी को दफना दिया गया, क्या उसको निकाल करके? वही प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है एग्जीमेशन का, वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ही उसको करवाना पड़ता है, तो वो सब हम लोग करवाते हैं। सर, लगातार परिवार वाले को धमकियां मिल रही है छोटे बेटा को जान से मारने की। देखिए, मैंने बताया पहले कि तो मामला संज्ञान में आज ही आया है, तो लगातार धमकी मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो सारे आस्पेक्ट जितने भी बिंदु हैं सभी पहलू पर जाँच कराया जाएगा और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। तत्कालीन SSP ने आदेश दिया था उस पर त्वरित कार्रवाई करने का, वो अभी तक नहीं हुआ, वो भी हम देख लेते हैं पहले का जो भी ऑर्डर निकला होगा यहाँ से, वो भी हम देख लेते हैं उसका कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ।